मॉर्निंग स्टूडेंट, पोएम नंबर 20 धरती की शान, जिसके पोएट है पंडित भरत व्यास। पहले हम देखें इसके शब्दार्थ को। शान गौरव, अंबर आकाश, ज्वाल अग्नि लपट, भूचाल भूकंप, महाकाल शिव, ब्रुकुटी भौ, ताल लय, नेज खुद की, आवान पुकार, पशुता दुष्टता। अब यहां हम देखें तो शीश शीर, गुरु बृहस्पति, गतिमान बुद्धिशाली, नभ आकाश। अब इसको हम समझे कि मनुष्य धरती का विषय पर देखें, हम मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अपनी बुद्धि बल से उसने असंभव को संभव कर दिखाया है। जल थल और नभ तीनों में उसने अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की है। प्रस्तुत कविता धरती की शान भारत, प्रस्तुत कविता कवि ने प्रत्येक भारतवासी को धरती की शान बताकर उसका अभिनंदन किया है। यानी एक प्रकार से भारत की गर्मियों को बताने की कोशिश की है। अब कविता का हम सार देखें तो पर्वत और नदियां सब मनुष्य के वश में है। मनुष्य मिट्टी में भी अमृत निकाल सकता है, वह धरती आकाश को एक कर सकता है। फिर उसके बाद देखें, मनुष्य पृथ्वी का लाल है, उसकी छाती में महाकाल बैठा हुआ है, साक्षात हिमालय जैसा उसका मस्तक है, उसकी वाणी में युग की पुकार है, उसकी वृत्ति में शिव है, और मनुष्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उसमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है, तो अग्नि जैसा बल भी वह पापों को बढ़ने से रोकता है और पशुता को भी जीत सकता है। वह आकाश से भी ऊंचा उड़कर दिखा सकता है, वह काल को भी रोक सकता है। अब देखें हम यहाँ फर्स्ट थ्री लाइन देखें, धरती की शान महान है। इन पंक्तियों में कवि पंडित भरत व्यास कहते हैं कि हे भारत माता संतान की संतान, तू ही धरती का गौरव है। तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत महान है, शक्तिशाली है। विद्यार्थी मित्रों, आज इसका विषय प्रवेश कविता का सार और फर्स्ट लाइन हमने देखी, आगे की लाइनें कल देखेंगे। थैंक यू।